दोस्तों आज मैं आपको बहुत बेहतरीन वीडियो दिखाने वाला हूँ कि एक बहन रकजा के नाई से सवाल करती है कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो हराम है या हलाल है। तो आइए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, फिर सब बात करते हैं। आई एम डॉक्टर गीता कदम। आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग टेस्ट ट्यूब बेबी। अ लेडी इज हैविंग ओवेरियन फेल्यूर, सो डिड टेस्ट ट्यूब बेबी। इज इट हराम और हलाल? Actually, I had an argument with one of my friend and she said it is haram. If it is haram, so what that lady can do for having a kid? Please explain me. मैंने सवाल पूछा है जो डॉक्टर है और कहती है कि अगर एक औरत को ओवेरियन फेलियर है और वो टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे को जन्म देती है तो जायज़ है क्या? नहीं। जितने भी मेडिकल जरिए है बच्चे पैदा करने के, मिसाल के तौर पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, जितने भी तरीके हैं उसमें दो टाइप के तरीके, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेटरोजीनियस। होमोजीनियस मतलब के जो ओवम है पैदा है वो होता है बीवी का और स्पर्म है मनी है शोहर का, इसे कहते हैं होमोजीनियस। हेटरोजीनियस में क्या होता है, आप स्पर्म लेते स्पर्म बैंक में से, इसके अंदर जो शोहर नहीं है उसकी मनी लेते, तो ये हराम है। तो अगर कोई भी मेडिकल साइंस का तरीका है लेकिन वो होमोजीनियस है, अगर बैदा है बीवी का, ओवम है बीवी का और अगर सीमेन, अगर मनी है शोहर की, तो जायज़ है। लेकिन अगर स्पर्म बैंक में से आप लेते हैं, दूसरे कोई आदमी का लेते हैं, ये हराम है। तो जितने भी मेडिकल तरीके हैं, अगर होमोजीनियस है इसमें कोई एतराज़ नहीं है, हेट्रोजीनियस है तो हराम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन सिस्टर। जी दोस्तों, ऐसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है तो दोस्तों बहुत बेहतरीन वीडियो थी, और जैसे कि इस बहन का जो सवाल था वो भी आप लोगों ने सुना है कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो इस्लाम में जो है वो हराम है या हलाल है, जिस पर डॉक्टर साकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया है। दोस्तों आजकल ये सिलसिला बहुत ज़्यादा स्टार्ट है, यही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा स्टार्ट है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि तमाम ममालिक में, और मैं सिर्फ यहाँ पे इस्लामी एक बात कहूँगा दोस्तों, इस्लाम के जितने भी मुसलमान हैं मैं उनकी बात करूँगा यहाँ पे, कि जितने भी मुसलमान लोग हैं दोस्तों कि उनकी औलाद नहीं होती है और बहुत परेशान होते हैं, और फिर यही लोग टेस्ट ट्यूब बेबी, लेकिन अभी औरत का जो ओवा है दोस्तों वो भी होता है, और उसका अगर उसके हस्बैंड का जो है वो गेमेट्स मिलाए जाए तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी हमारे पास इस्लाम में हलाल है। लेकिन अगर कोई ऐसा करे दोस्तों, और बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि औरत का जो औरत के जो गेमेट्स होते हैं वो उन इकट्ठे कर लेते हैं, और फिर किसी और, लेकिन उसके हस्बैंड के नहीं, किसी और के जो गेमेट्स होते हैं वो इकट्ठे कर लेते हैं और फिर जो है वो एक बेबी पैदा करते हैं, तो ये हमारे इस्लाम में हराम है दोस्तों। बहुत से लोगों को इनका नहीं पता, वो तो इन पर खुश होते हैं, इन चीज़ों पर खुश होते हैं कि हमारा तो बस बेबी हो गया है, और कभी वो सही उलमा के साथ नहीं बैठते हैं, कुरान मजीद की तालीमात से खबर नहीं होते हैं, और फिर वो लोग जो उस बच्चे को पालते हैं, तो ये हमारे पास इस्लाम में बिल्कुल हराम है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि इस्लाम से बाखबर भी होते हैं और ये काम करते हैं, तो उनके लिए दोस्तों अल्लाह ताला ने एक हिसाब किताब के लिए एक दिन रखा गया है जिसे कहते हैं कयामत का दिन, जिसे कहते हैं हिसाब किताब का दिन। आप फिर अल्लाह ताला को उस दिन क्या जवाब दोगे जब आपके पास दोस्तों, जब आपके पास इस्लाम का, हमारे पास कुरान मजीद का हुक्म आया है, कुरान मजीद ने हमें यह बताया है। अब जैसे कि इस बहन का जो सवाल था दोस्तों कि टेस्ट ट्यूब भी हमारे पास इस्लाम में हराम है या हलाल है, इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया है। तो जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता, अगर उनकी औलाद नहीं हो रही है, उनमें कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसे सिचुएशन है कि उनकी औलाद नहीं हो रही है, तो टेस्ट ट्यूब इसलिए जायज़ है अगर हम औरत का, औरत के गेमेट्स और उसके हस्बैंड के गेमेट्स अगर हम कम्बिनेशन को करें, उसे टेस्ट ट्यूब जो है बना दें, तो वो ठीक है दोस्तों। अदरवाइज जितने भी लोग हैं, अगर वो इन चीज़ों से बाखबर है, अगर उन इन चीज़ों से नहीं पता उन लोगों को, तो यही दोस्तों यही करना चाहिए आप उनको कि ये जो है, अगर उन लोगों ने अपनी औरत का गेमेट ले लिया हो बराए, लेकिन किसी नान लेकिन उसका हस्बैंड भी नहीं है, और फिर दूसरे आदमी का जो है गेमर्स ले लिया, उसको मिला लिया और फिर बेबी हो गए, तो ये हमारे पास इस्लाम में हराम है। तो दोस्तों जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, उम्मीद करता हूँ उन लोगों को भी पता लग गया होगा और आप लोगों को भी पूरी मालूम मिली होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वस्सलाम।